हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेशर गेज के बारे में जानेंगे। आज यहाँ पे तीन प्रकार के प्रेशर गेज हैं, ये प्रेशर गेज किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ये पहला प्रेशर गेज के बारे में हम लोग जानते हैं। ये प्रेशर गेज पे डायफ्राम लगा हुआ है, क्यों डायफ्राम लगा हुआ है इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। ये जो रीडिंग बताएगा दोस्तों, ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। साथ ही इसका मैक्सिमम जो है 6 केजी तक का प्रेशर बताएगा। इन दोनों में देखिए डायफ्राम नहीं लगा हुआ है, बट इस पे डायफ्राम लगा हुआ है। तो इस डायफ्राम का क्या काम है? इस डायफ्राम का बहुत ही ज़्यादा यूज है दोस्तों। ये जो प्रेशर गेज देख रहे हैं, इस प्रेशर गेज को वेस्ट वाटर में यूज किया जाता है। यहाँ से जब वेस्ट वाटर घुसेगा वो प्रेशर गेज के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे एक डायफ्राम लगा हुआ है और वो डायफ्राम इस कांटे को ऑपरेट करेगा। यहाँ से आपको प्रेशर दिखेगा, लिक्विड पूरे अंदर तक नहीं जाएगा, बीच पे डायफ्राम लगा हुआ है और उसके ऊपर ग्लिसरीन डला हुआ है, जो ग्लिसरीन क्या करेगा, उसके निडिल को प्रेशराइज करेगा और आपको प्रेशर शो करेगा। और यहाँ से इसको आपको ओपन नहीं करना है डायफ्राम के ऊपर से कभी भी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डू नॉट ओपन दिस जॉइंट, यहाँ से आपको नहीं खोलना है। अगर आपने यहाँ से खोल दिया तो इसका जो कैलिब्रेशन किया हुआ है वो गड़बड़ हो जाएगा और आपको रीडिंग सही से नहीं बताएगा दोस्तों। तो हमेशा इस तरह से डायफ्राम टाइप के प्रेशर गेज को ऊपर से नहीं खोलना है, आपको क्या करना है, नीचे से खोलना है, इस जॉइंट से खोलना है। यहाँ पे देखिए थ्रेड बना हुआ है, आपको इसी जगह पर फिटिंग भी करना है पाइपलाइन में और यहीं से आपको प्रेशर गेज को खोलना है। जब भी खोलना है इस पार्ट को नहीं खोलना है, अगर आपने खोल दिया तो इसका जो रीडिंग है वो सही नहीं बताएगा। साथ ही इस तरह के प्रेशर गेज को आपको हमेशा वेस्ट वाटर में यूज करना है। WWTP में इस तरह का आपको प्रेशर गेज ज़्यादा देखने को मिलेगा, बीच में डायफ्राम लगा हुआ है इस जगह पे और डायफ्राम के ऊपर में ग्लिसरीन डला हुआ है जो कि निडिल को ऑपरेट करता है। जब यहाँ लिक्विड जाके डायफ्राम को प्रेशराइज करेगा तो इस ग्लिसरीन का वजह से ये आपको प्रेशर शो करेगा, कितना ज़्यादा प्रेशर उस लाइन से जा रहा है वो आपको ग्लिसरीन वहाँ पे प्रेशराइज करके और आपको शो करेगा। साथ ही इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। इस टाइप के अभी प्रेशर गेज को हम लोग देख लेते हैं जिसके अंदर पे लिक्विड डला हुआ रहता है। ये लिक्विड कौन सा है? ये लिक्विड ग्लिसरीन भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है और ये भी आपको 10 केजी तक का प्रेशर बताएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह के प्रेशर गेज को कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग और इस लिक्विड का क्या काम है? लिक्विड का काम है, सबसे पहला प्रेशर गेज को लुब्रिकेट करते रहता है रेगुलर। ये जो ग्लिसरीन है इसका तीन काम है। पहला काम है लुब्रिकेट करते रहता है प्रेशर गेज को रेगुलर, जिसका वजह से प्रेशर गेज जल्दी डैमेज नहीं होता है दोस्तों। साथ ही जो इसका दूसरा काम है, दूसरा जो काम है वो क्या करेगा, ये जो निडिल देख रहे हैं ये निडिल आपको एक्यूरेट शो करेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा। बहुत सारे प्रेशर गेज में देखिएगा निडिल वाइब्रेट करते रहता है। अगर 8 केजी का प्रेशर शो कर रहा है तो 8 केजी का ही प्रेशर शो करेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा उसका निडिल। ये अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस ग्लिसरीन का वजह से इसका जो निडिल है वो वाइब्रेट नहीं करता। तीसरा पॉइंट है, इस ग्लिसरीन डला हुआ प्रेशर गेज को आप हाई टेम्परेचर वाले लाइन पे इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पे ग्लिसरीन डला हुआ है उसको आप -20 से लेके 60 डिग्री टेम्परेचर तक यूज कर सकते हो और जिस प्रेशर गेज में सिलिकॉन डला हुआ है उसको आप -40 से लेकर 140 डिग्री तक इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही इस ग्लिसरीन का वजह से इसके ग्लास पे भाप नहीं जमता है। बहुत सारे प्रेशर गेज में देखिएगा एक भाप जम जाता है जिसका वजह से आपको रीडिंग सही से शो नहीं करता है। तो ग्लिसरीन का वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर गेज का फंक्शन जो है वो स्मूथ हो जाता है। प्रेशर गेज रेगुलर लुब्रिकेट करता है, उसका कांटा वाइब्रेट नहीं करेगा। साथ ही आप इसको हाई टेम्परेचर लाइन में इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही उसके ग्लास में भाप नहीं बनता है दोस्तों।
इतने सारे बेनिफिट है ग्लिसरीन या सिलिकॉन का। यहाँ पे देखिए टॉप अप का पॉइंट दिया हुआ है, इससे आप ग्लिसरीन को बाहर भी निकाल सकते हो और नया ग्लिसरीन या सिलिकॉन को आप फिलअप भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये नॉर्मल प्रेशर गेज है। इस तरह का प्रेशर गेज आपको यह भी देखिए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में शो कर रहा है। और इस तरह के प्रेशर गेज को आप लोग इंस्ट्रूमेंट ईयर के लाइन में इस्तेमाल कर सकते हो, या तो नॉर्मल इक्विपमेंट जो कि हवा लाइन वगैरह या कोई नॉर्मल गैस का सप्लाई दे रहे हैं तो उस जगह पे आप इस तरह के प्रेशर गेज को इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मल प्रेशर गेज है ये, ज़्यादातर आपको इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिल जाता है दोस्तों। बाकी जो दो प्रेशर गेज है, ये वाला आपको WWTP में देखने मिलेगा और बीच वाला जो है वो स्टीम लाइन में देखने को मिलेगा। ये वेस्ट वाटर प्लांट में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वेस्ट वाटर रहता है वो अगर प्रेशर गेज के अंदर चला जाए तो प्रेशर गेज बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इस जॉइंट से आपको नहीं खोलना है प्रेशर गेज को, हमेशा नीचे वाले जॉइंट से खोलना है इस जगह से, वरना अगर आपने ऊपर से खोल दिया तो वो सही काम नहीं करेगा। इस तरह के प्रेशर गेज को आपको हाई टेम्परेचर में इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन या सिलिकॉन वगैरह डाला हुआ है तो ये हाई टेम्परेचर में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। बाकी ये नॉर्मल प्रेशर गेज है, ये हवा लाइन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला, सीखने मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।